मेरा नाम बबीता मित्तल है। आज मैं आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बताऊंगी। आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कभी भी कहीं भी अपना मोबाइल फोन और डेस्कटॉप को यूज करके आसानी से कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है और बहुत ही आसान है। दोस्तों, अब मैं आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। gst.gov.in वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको ऐसा होम पेज शो होगा। क्लिक ऑन दी सर्विसेज, गो टू रजिस्ट्रेशन टैब। अब आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। सेलेक्ट न्यू रजिस्ट्रेशन। इन द ड्रॉप डाउन सेलेक्ट आई एम ए टैक्सपेयर, देन सेलेक्ट योर स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, देन एंटर योर नेम मेंशन ऑन द पैन कार्ड, एंटर योर ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, देन एंटर द कैप्चा, देन क्लिक ऑन द प्रोसीड। रीड करने के बाद आपको दो ओटीपी रिसीव होंगे, एक गिवन ईमेल एड्रेस पर, एक मोबाइल नंबर पर। एंटर द ओटीपीज, देन क्लिक ऑन द प्रोसीड। अब आपका टेम्प्रेरी रेफरेंस नंबर इशू हो जाएगा। आपका TRN 15 दिन तक वैलिड है। पार्ट ए आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपको पार्ट बी फिल करना होगा। अब आपको उसी तरह दोबारा GST पोर्टल पर जाना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन टैब को क्लिक करने के बाद आपको TRN ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको आपका TRN और कैप्चा फिल करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। अब आपको OTP रिसीव होगा। एंटर दी OTP, देन क्लिक ऑन दी प्रोसीड। आपके सामने माई सेव्ड एप्लीकेशन स्क्रीन ओपन होगी। क्लिक ऑन दी एक्शन आइकन। अब आपके सामने ऐसी स्क्रीन ओपन होगी जिसमें आपको बिजनेस डिटेल्स, पार्टनर्स, प्रोमोटर डिटेल्स, ऑथराइज सिग्नेटरी डिटेल्स, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डिटेल, गुड्स एंड सर्विसेज डिटेल फिल करनी होगी। देन क्लिक ऑन दी आधार ऑथेंटिकेशन एंड वेरिफिकेशन पेज, टिक दी डिक्लेरेशन एंड सबमिट दी एप्लीकेशन। फाइनली आपकी एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर ARN जनरेट हो जाएगा। आपकी एप्लीकेशन अथॉरिटी वेरीफाई करेगा। आपकी सारी डिटेल सही होंगी तो आपको 3 दिन में GSTIN और आपका यूजर नेम और पासवर्ड, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर पर रिसीव हो जाएगा। दोस्तों, देखा आपने कितना सिंपल और इजी प्रोसेस है। थैंक यू।